फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मिठाई की बिल्कुल नई रेसिपी, जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 गिलास दूध और फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और पैन को गर्म करने के लिए, और इस पैन में हम 1 गिलास दूध को डालकर थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे और चारों साइड से हम हिला देंगे ताकि ये नीचे ना पकड़े, और इसे उबालने के लिए हम छोड़ देंगे बिल्कुल लो करके फ्लेम को। और इसके बाद हम एक बोल में 2 चम्मच आटा लेंगे, गेहूं का आटा जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसी आटे को हमें लेना है। और 2 चम्मच आटा हम लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका घोल तैयार करेंगे। घोल बिल्कुल पतला होना चाहिए, तो इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप घोल को तैयार कर लीजिए। एकदम पतला घोल तैयार करना है, मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं रहना चाहिए और कोई भी लंग्स नहीं होना चाहिए आटे में। आप चेक कर लीजिए आराम से उठा उठा कर, और अगर लगे कि लंग्स है तो उसे आप निकाल दीजिए। और ये घोल अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमें इसमें 2 पिंच हल्दी डालना है, या हल्दी के जगह पर आप केसर भी डाल सकते हैं, यदि केसर नहीं है तो हल्दी से काम चल जाएगा। और यकीन मानिए, हल्दी और आटे का टेस्ट बिल्कुल मिठाई में नहीं आएगा, तो 2 पिंच ही हमें हल्दी डालना है सिर्फ कलर चेंज करने के लिए। और अगर आप केसर है तो आप केसर को भी डाल सकते हैं, केसर डालकर भी कलर चेंज किया जा सकता है। अगर केसर नहीं है तो आप हल्दी डाल दीजिए, हल्दी तो हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा होता है। तो जैसे ही आप देखें दूध में उबाल आने लगा है, तो अब हमें क्या करना है, चीनी डाल देना है। लगभग 1 गिलास दूध हमने गर्म किया है तो हम यहाँ पर 4 चम्मच लगभग हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे, और चीनी डालकर हम इसे उबालने के लिए रखेंगे उसी फ्लेम पर। बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं करना है, कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और इस घोल को हम एक एक दो दो चम्मच बीच बीच में डालते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। इस घोल को दूध में एक साथ नहीं डालना है, 1 चम्मच डाल दीजिए, फिर आप थोड़ा सा हिला लीजिए, और इसके बाद फिर से आप 2 चम्मच डालिए और फिर से आप इसे हिलाते रहिए। और इसी तरह का हमें इसी प्रोसेस को करते रहना है। और एक साथ ये घोल को हमें दूध में नहीं डालना है, नहीं तो ध्यान रखिएगा आप दूध फट सकता है, फिर मिठाई ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह आपको 2-2 चम्मच ही इस घोल को डालना है और दूध को हिलाते रहना है। जो भी नीचे पकड़ेगा उसे आप पकड़ने नहीं देना है, इसको आप हिलाते रहेंगे तो नीचे बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। तो इसी तरह से हमें दूध को उबालना है, जैसे कि इस आटे के घोल का कच्चापन निकल जाए, इस तरह आपको उबालते रहना है इसे। और जब आप देखेंगे कि दूध गाढ़ा हो गया है तो आप बंद कर देंगे। तो इस तरह हमें हिलाते हुए इस घोल को डालना है, और जब आप देखें कि घोल कम बच रहा है या दूध गाढ़ा हो गया है तो आप घोल को और न डालें। तो हम देख सकते हैं कि दूध जो है वो गाढ़ा हो रहा है। तो इसी तरह आपको उबालना है, थोड़ी देर हम इसे और पका लेंगे ताकि आटा का जो कच्चापन है, हल्दी का जो कच्चापन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका स्वाद बिल्कुल भी मिठाई में न आए। तो अगर आप इस तरह बनाते हैं, आप देखिएगा बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। और ये जो घोल है ये बच गया है, इसे मैं साइड रख देती हूँ, अगर मैं ये डाल दूँगी तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो आप भी देख कर ही डालें, जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उसी हिसाब से आप घोल को डालिए, अगर ज़्यादा लगे तो आप हटा दीजिए, उसे यूज़ ना करें। तो आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद आप इस घोल को फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर गर्मी का दिन है तो ठंडा ठंडा आप इस मिठाई को सर्व कर सकते हैं। तो इसे हिलाते हुए थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्लेम को बंद करने के बाद, और ये ठंडा हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, उसके बाद हम इसकी मिठाई को तैयार करेंगे। तो पहले हम इसे फ्लेम को बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं ये दूध अच्छे से तैयार हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हमें इसे फ्लेम को बंद करना है और इसे हिलाते रखना है ताकि इसके ऊपर जो मलाई है वो ना जमे,
अगर मलाई जम गया तो आप ऊपर से मलाई को हटा दीजिएगा, क्योंकि दूध है तो मलाई तो जमेगा ही। तो आपको हिलाते रहना है जब तक ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए, और बीच बीच में आपको छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए, लेकिन बीच बीच में आपको इसे हिलाते रहना है। अब हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेना है और इस सभी को हमें हल्का सा मिक्सर में डालकर मोटा दरदरा पीस लेना है। आप चाहे तो बारीक कट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिक्सर में ग्राइंडर में डालकर इसे हल्का सा मोटा पीस लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मिठाई में। तो हम इसे पीस लेते हैं पहले, और पीसने के बाद हम इसका मोटा पेस्ट पाउडर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कुछ दरदरा सा पाउडर हमें तैयार करना है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें एक चम्मच दूध डालकर आप इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक चम्मच दूध डालकर आप इसे बांध लीजिए ताकि ये बंध जाए अच्छे से, और इसके बाद हम मिठाई में इसे यूज़ करेंगे। तो ये पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि बस सिर्फ बांधना है, बहुत ज़्यादा दूध हमें नहीं डालना है ताकि ये पाउडर गिरे नहीं। इसके लिए हम इसे थोड़ा सा बांध लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं दो ब्रेड, और ब्रेड को हम कट करेंगे गोल गोल साइज में, या फिर हम इसे स्क्वायर शेप भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद हो वैसा दें करें इसको शेप में, और हम इसे बीच बीच में कट कर लेते हैं इस तरह से। कोई भी कटर हो आपके पास राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में तो उसे आप शेप दे सकते हैं, ये सिर्फ शेप के लिए है। और बाकी बचा हुआ ब्रेड भी आप दूसरे तरह से यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे मिठाई में या फिर वैसे भी कोई और रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं बचे हुए ब्रेड को। और इस कटर से अगर दूसरे और जगह है तो आप वहाँ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस ब्रेड में इस कटर से नहीं बन पाएगा तो हम इस ब्रेड को छोड़ देंगे और दूसरा ब्रेड हम लेंगे, और इसे भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। मिठाई दोनों तरफ से बराबर बनेगी, इसके लिए हम एक ही साइज में कट करेंगे। और ये देखिए, दोनों कट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक पीस के ऊपर जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीस कर पाउडर तैयार किए हैं, इस पाउडर को हमें इसमें लेना है, दिखाई दे रहा है, और बीच में हमें इसे डालकर दबा देना है, और अच्छे से लगभग आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे ताकि मिठाई में ये अच्छा लगे। और इसके बाद चारों ओर से हम एक चम्मच दूध लेके हल्का हल्का दूध से हम डालेंगे, जो भी साइड किनारा बचा है इसमें हम दूध को डालेंगे। तो थोड़ा सा दूध लीजिए और दोनों साइड से, चारों साइड से आप इसमें डाल दीजिए। यदि यह दूध नहीं है तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दूध ले रही हूँ, इसे थोड़ा सा गीला करना है, जिधर ड्राई फ्रूट्स नहीं है उधर ही डालना है, और दूसरे हिस्से को लेकर इसे हाथों से आपको दबा देना है। तो इस तरह से ये दब गया और ये तैयार हो गया एक, और इसी तरह हमें दूसरे को भी रखना है। अब दूध ठंडा हो गया है जो हमने तैयार किए हैं, और इसको इस ब्रेड के ऊपर इस तरह से डाल देना है। थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं डालकर ठंडा होने के लिए। सर्व करने से पहले अगर आप ठंडा करना चाहते हैं तो फ्रिज में घोल को ही ठंडा कर लें तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद आपको ऊपर से इस घोल को डालना है, दो पीस चार पीस जितना भी आप मिठाई तैयार करते हैं उस हिसाब से आप डाल दीजिए, और बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को भी ये मिठाई बहुत पसंद आता है। यकीन मानिए, आप एक बार इस मिठाई को बनाकर खाएंगे तो आपको बार बार ये मिठाई खाने का मन करेगा, और बहुत ही कम समय में बनता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स आप थोड़ा सा बारीक कट करके रख लीजिए गार्निशिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता को बारीक कट किया हुआ है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं, ऊपर से गार्निशिंग कर सकते हैं। और अगर केसर है तो केसर भी ऊपर से दो तीन धागे डाल दीजिए, देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और लगभग 5-6 मिनट में आप इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं। जब भी मन करे आप इस मिठाई को बनाइए और सर्व कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही कुछ और अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।